वाराणसी के सारनाथ थाने की पुराना पुल पुलिस चौकी के प्रभारी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि आरोप लगाते हुए युवती ने जहर खा लिया। युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने पर दरोगा संग्राम सिंह यादव को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, सारनाथ थाना के दनियालपुर क्षेत्र की रहने वाली युवती की मां ने बताया कि पुराना पुल चौकी प्रभारी संग्राम सिंह यादव उनकी बेटी के पुराने परिचित हैं। बेटी से दरोगा के नियमित बातचीत होती थी। वहीं दरोगा ने उनकी बेटी से शादी का वादा किया था। दरोगा उनकी बेटी से बातचीत करना अचानक से बंद कर दिया। बेटी ने जब दरोगा को उनकी शादी का वादा याद दिलाया तो वह उसे धमकाने लगा। इसे दुखी होकर उनकी बेटी ने शुक्रवार की रात जहर खा लिया। बेहोशी की हालत में उसे आनंद फानन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो वहीं युवती की मां ने कहा कि दरोगा की धमकी के संबंध में सारनाथ थाने और वरुणा जोन के अफसरों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने बताया कि 28 वर्ष की युवती ने चौकी प्रभारी पुराना पुल पर आरोप लगाए हैं। तो वहीं ACP सारनाथ को घटने की जाँच सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।